भाई कुछ दिख रहा है भाई बाहर, कुत्ते को भौंक रहा, कुछ भौंक रहा है भाई। टेंट बंद कर देते भाई। इधर पता है को लापड़ होते हैं भाई, जंगल पता कितना खतरनाक है। लापड़ की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है किसी की भाई। टेंट खोल के मत देखना यार भाई। मैं नहीं करनी कैंपिंग, कल मैं जा रहा हूँ घर में। ये थोड़े होते हैं आप कहीं जंगल में लेके आते हो। थोड़े किसी को फोन करते हैं बाहर जाके भाई। एक एक 10 मिनट का एक हो रहा है और नेटवर्क देख लो कुछ। ये राजमा है। तुम लोग हंस क्यों रहे इतना कि राजमा में कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही? मैंने यार तेरे को बोला था, मैंने तेरे को बोला था घना जंगल है यहाँ पे मतला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज वंस अगेन आपके लिए लेकर आ चुके हैं कार कैंपिंग। लेकिन सॉरी यार, कार कैंपिंग नहीं होने वाली आज, क्योंकि आज जो हमारी कैंपिंग लोकेशन है वो थोड़ी सी ना रोड के ऊपर है। कार वहां तक नहीं जा सकती, कार लग रही यहीं पर रोड में ही, तो समझो आज कार कैंपिंग नहीं हो रही। लेकिन कार कैंपिंग वाला फील आपको पूरा देंगे। सो फिलहाल चलते हैं यार, अपना कैंपिंग सेटअप करते हैं, क्योंकि सूरज सामने देख सकते हो ढलने वाला है। तो सूरज के ढलने से पहले पहले हम अपना कैंपिंग सेटअप कर लेते हैं। प्लस यहाँ का व्यू देखिए, क्या नजारा है यहाँ का। इस जगह का नाम है गोली डंडा। अब इस गोली डंडा का नाम रखने के पीछे क्या कारण है मुझे नहीं पता, वो मैं पता करूंगा और बताऊंगा। फिलहाल अभी हम हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में और उसके अंदर हम बदरवा में हैं, और बदरवा के अंदर पड़ता है ये गुली डंडा। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं, लगाते हैं अपना कैंपिंग सेटअप सामने वहां पर। लेट्स गो, लेट्स गो, निकालो सामान सारे तो चलते हैं। और यहां पर हमारे गेस्ट आ चुके हैं बकरियां, और इनकी खुशबू इतनी अच्छी है क्या बताऊं। और यार क्या वैली है ऊपर देख सकते हो, अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, इतनी गर्मी। और यहाँ पर देखो क्या मौसम है, कहाँ लगा रहे हैं। हाँ यार, तो यहाँ पर देख सकते हो यार धुंध पड़ चुकी है, तो यहाँ पर नाइट कैंपिंग का जो मजा आने वाला बहुत। तो यहाँ पर रवि भाई निकाल रहे हैं हमारा 3% टेंट, जिसपे हम 4 बंदे सोने वाले हैं। ये जितना भी सारा सामान दिख रहा है ना, ये सारा हम ऊपर लेके जाएंगे। तो सारा निकालो और एक एक करके पकड़ो सारे सामान यार। ओके, जो जो पकड़ सकते हो पकड़ो यार। okay. ये आप वजन में अपने लगा लो साथ में। और यार दूसरी तरफ सनसेट हो रहा है, तो मुझे लगता है 1 घंटे में या आधे घंटे में वो सन आई थिंक पहाड़ के पीछे हो जाएगा और यहाँ पर अंधेरा छाने लग जाएगा। और भाई तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, चलो। तो ये देखिए शॉर्टकट रास्ता, यहाँ से सामान को यहाँ तक भेजा जा रहा है। वाओ, व्हाट अ डिलीवरी, व्हाट अ कैच। एक्चुअली सामान हमें वहां से लाना पड़ रहा था, तो वो दूर पड़ रहा था, तो यहाँ से सामान पास पड़ रहा है। भाई ये रहने दे यार, इसको हो सकता है। वेरी गुड। सो दोस्तों यहाँ पर टेंट लग चुके हैं हमारे। सो यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत सामान रह गया था, वो रवि और करण लेके आ रहे हैं। और मौसम बदल रहा है यहाँ पर, बादल नीचे आ रहे हैं पहाड़ के नीचे। सो फिलहाल अभी हम करते हैं यहाँ पर सेटअप। अभी थोड़ा सा टेंट के अंदर भी सामान रखना है। ये छोटा टेंट लगाया और हमने बड़ा टेंट लगाया, तो यहाँ पर हम कम्फर्टेबली सोने वाले हैं सारे। और यहाँ पर करण भाई लेके आ चुके हैं म्यूजिक सिस्टम। यहाँ पर आज करण भाई और पूरन भाई का एक कपल डांस होने वाला है जबरदस्त। और यहाँ पर रवि भाई शूट करेंगे उस हसीन पल को। साहिल भाई एंजॉय करें। और यार क्या पीछे का मौसम देख रहे हो क्या यार, ऐसा मौसम तुम लोगों को जुलाई में मिल रहा है यार। और तुम लोगों को क्या चाहिए कि तुम जम्मू कश्मीर में पैदा हुए हो, स्वर्ग में पैदा हुए हो भाई। कितने अच्छे कर्म किए हैं हमने, जो हम पाकिस्तान से भागकर जम्मू कश्मीर आए थे। ऐसे जिन लोगों को पता नहीं भैया, मेरे दादा परदादा तो 1947 से पहले पाकिस्तान वाली साइड ही रहते थे। जब माइग्रेशन हुई फोर फादर से, वो वहां से पाकिस्तान वाली साइड से भागकर आ गए थे इंडिया वाली साइड। सो यहाँ पर हमने बहुत ही गंद डाल दिया, अभी इनको अपनी अपनी जगह सेट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। सो भाइयों यहाँ पर हमारे लग चुके हैं कंबल शंबल नीचे डाल दिए हैं रवि भाई ने, ताकि ठंड ना लगे रात को। स्लीपिंग बैग्स आ चुके हैं हमारे वहाँ पर। रवि भाई अपना बेड सेट कर रहे हैं। मेरा नाम रवि भाई नहीं है। तो यहाँ पे करण भाई ने अपना बिस्तर डाल दिया है। बकरियां आ चुकी हैं, इन्होंने तो रोड को ही अपना घर बना लिया है। ये होते हैं पहाड़ों के मजे, आप कहीं भी अपना घर बना सकते हो। और यहाँ पर हमारी कैंपिंग चेयर भी लग चुकी है, यहाँ पर हम आराम से बैठेंगे और इस खूबसूरत पहाड़ को यहाँ से देखेंगे। इसी के तो पैसे हैं। और यहाँ पर इसी ठंडी वादियों में करण भाई यहाँ पर पी रहे कोल्ड ड्रिंक। तो भाइयों इस कोल्ड ड्रिंक को पीने का मजा इस पहाड़ों में, वो जो पीते हैं उन्हीं को पता है कि नहीं करण भाई। सो ये हमारा ग्लास हो चुका है। वो तो कब से लग गया। मैं बोल तो रहा था। और यहाँ पर हमारी रखवाली के लिए गुजर बकरवालों का डॉगी भी आ गया हमारे पास। बस ये हमें ना काटे यार, बहुत खतरनाक होते हैं ये डॉगीज। और वहां पर लगी हमारी कार, आज कार कैंपिंग नहीं हो रही यार।
बहुत दुख से कहना पड़ रहा है। नहीं होता भाई, कभी कभी टेंट कैंपिंग भी कर लिया करो। और आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर नहीं करते यार, इस वजह से हम अभी तक गरीब यूट्यूबर बने हुए हैं। आप और यहाँ पर ये हमारी ग्रोसरी का सामान है। यहाँ पर आज हम क्या बनाने जा रहे हैं डिनर में? राजमा चावल। ओके, आज डिनर में बनने जा रहा है यहाँ के जम्मू कश्मीर के फेमस राजमा और चावल। और वहाँ पर देखो यार, मैंने कहा था ना बकरियां कहीं भी अपना घर बना लेती हैं, तो वहां पर इस टाइम क्या हुआ है कि गाड़ी आ रही थी और वहां पर बकरियों ने उनका रास्ता रोक दिया है। तो अभी वहां पर वो हॉर्न मार रहा है और बकरियां उठने का नाम नहीं ले रही। सो ऐसा कुछ ट्रैफिक मिलता है आपको गांव में, गांव की लाइफ है ये, पहाड़ों की लाइफ कह सकते हैं इसको। तो यहां पर इन्होंने अभी उठा दिया, गाड़ी निकल सकती है आराम से। शहरों के और गाँव के ट्रैफिक में यही फर्क है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। वाओ, ऐसा ब्यूटीफुल ट्रैफिक हमें फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शहरों का ट्रैफिक हम नहीं फेस कर सकते। लो भाई, गाड़ी निकल गई यहाँ से आराम से, लेकिन बकरियाँ नहीं उठी, ढीठ हैं बकरियाँ मुझे लगता है। क्या खूबसूरत वादी है यार, वाह यार, मेरा तो दिल आ गया इस जगह पे। और यहाँ पर हमारे पूरन भाई जी कर रहे हैं यहाँ पर बोन फायर का इंतज़ाम, और रात को मतलब यहाँ पर बोन फायर भी होने वाला, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर। वाह, व्हाट अ पावर। आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू से मैन। या आई नो यू आर अ स्मार्ट पर्सन। नो यार, आई यू गेट ऑन माय आईडिया व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सो शरीफ ब्रो। तो साहिल भाई कर रहे हुए मैन, लकड़ियां काटते हुए, लकड़ काटते हुए ਅੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਛੋੜਾ ਭਰਾਵਾ, ਮੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਮ ਦਾ। ਹਰ ਵਾਲਾ ਕਬੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕਾਟਦੇ ਕਾਟਦੇ ਆਪਕੋ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਈ, ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਆਪਸੇ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਜਦੋਂ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋ ਬੋਲੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਸੇ ਲੈ ਰਹਾ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਸੈਂਟਰ ਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ भाई क्या? तो दोस्तों रात हो चुकी है और मौसम यहाँ टोटली बदल चुका है। यहाँ पर मतलब जो आपको बादल दिख रहे थे ऊपर, वो बिल्कुल अब हमारे आगे पीछे ही घूम रहे हैं। समझ लो हम बादल के बीच में ही हैं। आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, आपको ऐसे धुआं जैसे फील हो रहा है, वो धुआं नहीं है, वो बादल ही है। और बारिश आने के फुल चांस है, खतरनाक बारिश आने वाली है हमारे यहाँ पर, लोकल बंदे ने किसी ने कहा। फिलहाल कुकिंग का अपडेट ये है कि हमारी यहाँ पर राजमा गल रही है, क्योंकि राजमा बनने में टाइम लगता है, तो राजमा गल रही है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सारा सामान जो बाहर लगा था हमने अंदर कर दिया है, और यहाँ पर सब अंदर रेस्ट करेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा ठंड है। तो ये सब एंजॉय कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर दूसरे करण भाई अपनी गर्लफ्रेंड कैसा लगे हैं, और ये देखो करण भाई हमारे गर्लफ्रेंड कैसा लगे हैं। हेलो, तो भाई मैं भी चलता हूँ अंदर, जब तक राजमा नहीं बनती तब तक मैं भी अंदर रेस्ट करता हूँ, क्योंकि बारिश खतरनाक आने वाली है। आप मतलब समझ सकते हो आज ये रेन कैंपिंग होने वाली है, तो रेन कैंपिंग का अपना ही मजा है, शांति मिलती है जब बारिश पड़ती है, बस बिजली ना पड़े हम मर ना जाए। तो भाई चलते हैं। देखो ये दिख रहा है आपको धुआं, ये धुआं नहीं है, ये देखो ये सब आपको बादल है भाई, ये बादल के बीच में घूम रहे हैं हम। तो दोस्तों बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी जो हमारा खाना है वो बन नहीं पाएगा। तो पूर्ण भाई एक काम कर, तू एक काम कर, सिलेंडर अंदर ही ले आया, अंदर ही कुकिंग करनी पड़ेगी। ले आ, बारिश तेज हो रही है, पकड़ पकड़ो, मेरे ऊपर मत गर्म है, गैस को लिया पूरा, गैस बंद नहीं हो जाए, आराम से आग ना लग जाए। बारिश लगी, बारिश मैं भाई, बारिश तेज हो रही है। इन्हें नहीं, रुक रुक, थोड़ा सा आगे रख, सिलेंडर सेंटर में रख, भाई बारिश आ गई, बारिश आ गई, बंद कर दे यार इसको, भाई प्रॉब्लम हो रही है यार, समझा कर, इसको बंद करो फटाफट, भाई बारिश तेज हो रही है, बंद करो टेंट को, बंद करो, बंद करो, रुक रुक मैं बंद करता हूँ, कहाँ वो कहाँ है, बाहर वाला करो, पहले बाहर वाला करने दो, भाई बारिश तेज हो गई है, अंदर वाला खोल दे यार, अभी ये इससे बच के रहना थोड़ा, मैंने इसको ये लगाया हुआ है, इधर देखो, अच्छा ये स्टीम मारेगा, फट फट नहीं यार, ना रहा है, क्या बात कर रहे हो, सिट्टी तो आ रही बड़ी देर से, बड़ी मोटी, क्या लग रहा है, तीनों जाएंगे, नहीं यार, ये थोड़ी निकलेगी, थोड़ी सी लुकड़ी पस्स हो जाएगा ऊपर, देखो, रिस्क तो है भाई इसमें, नहीं यार, हवा निकल रही है ऊपर, क्या सिट्टी आएगी, क्योंकि अगर ये फटेगा ना तो हम नहीं बचेंगे, फटता कब है, मैं चला कर रहा हूँ ये पास मार, डरा रहा मेरे को यार, नहीं नहीं पता क्या फटता है, जब ये अंदर से पाइप है ना उसमें कुछ दाग आ जाए, मैं चला करण दर्ज खोले, मैं तेरे को लाया ऊपर, आवे डरा दे भी आखा दे, इन्हें फटी जानी गैस ने, एक ये निकाल दे फिर, हवा लेकिन ऊपर जाएगा वो गर्म हो जाएगा ऊपर, ये बाहर ही रखना पड़ेगा, एक काम कर तू बाहर रख यार, देखा जाएगा गैस में, यार ये डरा रहे हैं, कह रहे फट जाएगा, अबे ये निकाल दे सिटी, अगर सिटी निकाल के इसको अभी फुस होगा कल जाएगा ऊपर, नहीं नहीं सिटी अब नहीं निकलती, मैं तेरे को लाया दरवाजा खोलने, एक मिनट
अब तरह मैं ककड़ी हुंदा मैं तू कड़ी गंदी गल करनी गर्लफ्रेंड नहीं पहले है इधर ओ नहीं मैं प्रावा मैं मरना होना है मैं आया ट्रेंड खोल दूं आ जा तू इधर आ जा मैं उधर आता हूं रिस्क ले लो भाई मैं लात भी मारूंगा को कुरवार भाई ये तो मुझे डर लग रहा है यार ये कह रहे हैं सिलेंडर गैस फटने का फट देखो ये लगाया था ना इसको जो कुछ होता है कोई नॉलेज से क्योंकि बाहर आ रहा माल पूरा ना थोड़ा दूर स्पेस यार मेरी बात सुनो बारिश थोड़ी सी कम हुई है इसको इसको बाहर उधर रिस्क अंदर रखना यार क्योंकि इसकी सीटी खराब है भाई साहिल रखना गैस ही बाहर यार मैं इसे उठाने नहीं होगा यार मैंने एक खास ब्लॉकिंग कर रहा हूं मैं लेने के लिए तो आया हूं भाई बाहर रख दे सही बात है यार बाहर सही है बारिश इतनी बारिश नहीं है अभी कम बारिश हो रही है भाई कीड़ा आ गया अंदर अब तू फट जो मर्जी कर हमें टेंशन नहीं मैं थोड़ा पीछे की बैठने लगा हूं भाई बारिश देखो यार टेंट हमारे गिल्ले हो रहे हैं यहां पर एक काम कर कुछ आगे कर दे हां थोड़ी सी जिप को बंद कर दे यार देख बारिश पूरे टेंट में आ चुकी है देख टेंट में पूरे बारिश पड़ चुकी है ऊपर यार हां इतना ठीक है ठीक है ठीक है इतना ये लाइट मैं लाइट मार रहा हूं ना कीड़े अंदर आ रहे हैं यार लाइट को बंद करना पड़ेगा मुझे दोस्तों बाहर हमारे बन रहे हैं राजमा और यहाँ पर पूरन भाई कर चुके हैं प्याज काटने की तैयारी क्योंकि इनको लग रही है बहुत ज्यादा भूख इन्होंने एक पूरी कम खाई थी दिन में तो इस वजह से इनको लग रही है भूख तो यहाँ पर इन्होंने कर दिया प्याज काटना शुरू जैसे ही राजमा बनते हैं तो तड़के में लगाने को रेडी है पूरन भाई और रवि भाई दोनों मिलकर आज बवारची बने और अच्छा टेस्टी खाना बनाएंगे और हमें खिलाएंगे यहाँ पर रवि भाई ने कर दिया बच्चों वाला काम और यहाँ पर गिरा दी है चीनी और अभी ये सफाई कर रहे हैं कभी कभी मेरी व्लॉगिंग ऐसी होती है कमेंट्री कर रहा हूँ तो यार मजा आ रहा है रात को कैंपिंग के अंदर बैठ के टेंट के अंदर बैठ के लाइट जग रही है हमने बाहर बारिश हो रही है आपको आवाज भी आ रही होगी बहुत जबरदस्त बारिश चल रही है ये कि हवा नहीं चल रही तूफान नहीं चल रहा लेकिन अभी हवा थोड़ी रुक गई है लेकिन बारिश कंटिन्यूसली चल रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश अभी बीच में स्लो हुई है तो हमने क्या कर दिया कि बाहर रख दिया हुआ गैस तो देखते हैं कि वो कोई उठा के तो नहीं ले गया नीचे से देखते हैं यार कौन टेंट खोलेगा चल खोल ही लेता हूं यार तो ये देख सकते हो यहां पर हमारी बन रही है राजमा ये भी गिली हो चुकी है पूरी हाँ जी और यहाँ से दूसरे टेंट से दूसरी गुफा से निकल रहे हैं हमारे करण भाई ओ भाई ठंडे इधर क्या बात कर रहा है बड़ी ठंडे यार आजा अंदर आजा फिर खोल दो बारिश नहीं है ना खोल टेंट खोल दे बारिश तो नहीं हो रही ना थोड़ी बारिश रुक गई बारिश यार पारे चढ़ चुके हैं क्या बात कर रहा है ओ भाई फिर सही है आजा अंदर आजा इसको कहीं साइड पे कर दो ना से चलो भाई बारिश थोड़ी रुक चुकी है तो हमने टेंट को अपना फिर से खोल दिया तो भाई ये मजा आएगा ठंडी नहीं हवा आ रही है और टेंट पूरा गीला हो चुका है हमारा देखना अंदर ना गीला हो जाए देखो यहाँ पर देखो सीटी है नहीं भाई फटना नहीं चाहिए मैं पीछे हो जाऊंगा थोड़ा देखो लग रहा है डर खोल दे मेरे भाई खुल जा सिम सिम देखते राजमा गली की नहीं गली क्योंकि दो घंटे से रख लिया आराम से नहीं खोलेगा साइड पर रख इसको सीटी उठा ऊपर हवा निकल रही है उसकी इसको बंद कर सो यहां पर राजमा देखते हैं गले की नहीं गले ये नहीं गले भाई क्या बात कर अभी नहीं गले गल जाएंगे थोड़े और यार ये नहीं गले क्या बात कर रहा है अबे कच्ची से निकाल कर दिखा मुझे दिखा मेरे को दिखा नहीं गले कितना फर्क है अभी बड़ा फर्क है क्या बात कर रहा है ये हमारी पूरी रात लग जाएगी राजमे को गलाते गलाते खाएंगे कब हम माचिस तो कोई दी थी भाई नहीं एक और भी ओ भाई क्या कर रहा है यार यार कसम से चार घंटे हो गए तुम्हारी राजमा नहीं गली तो खाना कब खिलाओगे तुम लोगों में यार डोंट वरी गाइस प्याज खाओ प्याज ब्रो देखो तड़के के लिए प्याज टमाटर कट के रेडी हैं लेकिन यहाँ पर राजमा गलने को तैयार नहीं है आ चुका है क्या ये मसाला। दे थोड़ा मैगी मसाला ही खाइए टेट पर आइए तो अभी पेट भरते हैं मैगी मसाला खा के हमने तो जैम खाया था भाई अभी थोड़ी देर पहले यार तुम लोगों ने बताया नहीं मुझे आओ आओ फिर खिलाते हैं बनाओ यार आप थोड़ा काम कर रहे हैं ना उधर सो एवरीवन यार सबने डिनर कर लिया एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था कहीं तो अभी जस्ट आया मैं अपनी कार में बैठा हुआ था तो इन सब ने खाना वाना खा लिया अकेले गए तो अब मैं अकेले खाना खाने लगा तो आपको दिखाना भूल गया यार चावल राजमा तो आपको दिखाते हैं एक सेकंड में तो भाई डाल दोगे या मैं खुद डालूंगा अब वीडियो के लिए बोल रहा हूँ सॉरी यार हद हो गई बोलते हैं हम नौकर लगे तेरे मैं क्या चाहे वीडियो के लिए दिखा दो कम से कम डाल तो मैं खुद ही लूंगा और बड़ी बैटरी का कितना परसेंट बचा है 32 नहीं नहीं भाई चावल तुम लोगों ने मेरा होता कम ही खाए हैं यार बहुत सारे चावल बचे हैं इतने मैं तो ना खा पाऊंगा अरे बचेंगे कोई सीन नहीं है आप जितने खाओ यू कैन ईट एंड रिपीट चावल में पानी ठीठा डाला तुमने नहीं चावल सूखे पानी सूखा ही नहीं अभी जस्ट अभी खाई हमने भी यार नहीं वेट किया होगा आई नहीं सुबह वेट किया आपने बुलाया था कि नहीं मेरे को बुलाया आपने पहले बोला था खा लो फिर क्या बुलाना क्या करें भरावा क्या हुआ उसके साथ कुछ नहीं बस वो सो गई और यार राजमा कैसी बनी है ये राजमा है तुम लोग हंस क्यों रहे हो इतना कि राजमा में कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही कुछ खा खा तो खा के तो तरी लू मतलब राजमा नहीं डाल खाने वाली पहले राजमा टेस्ट कर ही लेता हूं मैं दाने दो ठीक है फिर पता चल जाएगा क्या है भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है ओ भरावा नहीं आया ठीक है
भाई हमने यही खाया। ये क्या है? तो हमारे शेफ थे करण और पूरन शेफ थे। डॉगी घूम रहा है, कुछ दिख रहा है, थोड़ी कच्ची रह गई है। डॉगी डॉगी वगैरह बाहर पता है यार, कुछ दिख रहा है उसको। ओ भाई सर, टेंट बंद कर यार भाई, इसको कुछ दिख रहा है कुत्ते को। यहां पर कुछ आ गया यार दोस्तों, कुत्ता बाहर भौंक रहा है, कुछ दिख रहा है। साइल टेंट बंद कर, मैं बोल रहा हूँ। रवि करण टेंट बंद कर दे भाई, कुछ दिख रहा है भाई बाहर, कुत्ते को भौंक रहा, कुछ भौंक रहा है भाई, टेंट बंद कर दे भाई। इधर पता है तेरे को लेपर्ड होते हैं भाई, जंगल पता कितना खतरनाक है भाई, बाहर नहीं जाना कोई। क्या बाहर नहीं जाना कोई? हम अंदर ही, हम नहीं निकलेंगे बाहर। देख भाई कुत्ता नॉन स्टॉप भौंक रहा है, उसको कुछ दिख रहा है भाई। मेरे बात आपका टेंट बंद है? हमने टेंट बंद कर दिया अपना, मेरा भी टेंट बंद है भाई, बाहर बाहर निकलना ठीक है, अपने अपने हथियार साथ रखना। करण भाई यार, हाँ बोलो भाई, ध्यान रखना आप अकेले हो वहां पर टेंट में, ठीक है? हम तीन, हम कोई चक्कर नहीं, आप अकेले हो, ध्यान रखना। हथियार आपके पास यार? ना हथियार आपके पास है। चाहिए आपको? ज्यादा हंसो नहीं भाई, कुछ हो सकता है, आवाज बाहर चली जाएगी ना लेपर्ड को, तो आ जाएगा पास में। चलो मैं डिनर कर लेता हूं गाइस, तो आपको मिलते हैं सुबह ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ और ब्यूटीफुल व्यू के साथ, ठीक है? तो गुड नाइट। राजमा सुनाए लोग कहीं, साहिल भाई राजमा खाते हैं। तो दोस्तों क्या हो गया कि यार राजमा में गड़बड़ ये थी कि राजमा अच्छे से गले ही नहीं थे, 3 घंटे तक इन्होंने कुकर में रखा और राजमा गले ही नहीं थे। फिलहाल अभी कच्चे ही है राजमा, लेकिन खाने लायक है, क्या कर सकते हैं। अब यही होता है आपको जब कैंपिंग कर रहे होते, ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ती है और मैनेज करना पड़ता है। बाकी टेस्ट में कोई कमी नहीं है, टेस्ट बहुत ज्यादा है ना पूरन भाई, बहुत ज्यादा टेस्ट है, हद से ज्यादा। पूर्ण भाई तो खा पी के सोने की तैयारी में, और रवि भाई मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं खाऊंगा, तो ये सब समेट के सारा सामान साइड में रख के सामान, फिर मैं कहीं मेरी जगह बनेगी सोने के लिए। दोस्तों बाहर से आवाज आ रही है हमें जस्ट अभी, भाई कुछ बाहर कुछ खा रहा है, क्या हो सकता है यार, मैं टेंट खोल के नहीं दे सकते। लपड़ की आवाज आ रही है, लपड़ टेंट के बाहर कुछ खा रहा है। हथियार पकड़, हथियार पकड़, हथियार पकड़। बाहर लपड़ है, बाहर लपड़ की आवाज आ रही है। हाँ भाई लपड़ लपड़ है, वो देखो देख, लपड़ की आवाज आ रही है। आवाज आ रही है किसी की? लपड़ की आवाज है। ये सारे सो चुके हैं यार। बाहर लपड़ की आवाज आ रही है। बाहर मेरे को लगता है कोई लपड़ वगैरह आ रही है। भाई टेंट खोल के मत देखना यार, लैपर को पता चला ना टेंट फाड़ देगा। टेंट में चल, टेंट में अंदर चल। भाई कोई आवाज आ रही है बाहर यार, आवाज आ रही है यार। भाई क्या हो सकता है? भाई लपड़ की आवाज आ रही है भाई, नहीं डरा टेंट के पास आ गया, घर पे जाना यार, क्या बात कर रहा है, इधर से आवाज आ रही है। चुप 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 भाई, मैं नहीं करनी कैंपिंग, कल मैं जा रहा हूँ घर में। ये थोड़े होते हैं आप कहीं जंगल में लेके आ जाते हो। मैंने यार तेरे को बोला है ना, मैंने तेरे को बोला था घना जंगल है यहाँ पे, मतला तेरे को यही टेंट लगाना था यार, फिर बोला था ना घर चलो यार, अभी यहाँ भी प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम है भाई। अगर गलती से भी अटैक किया ना लपड़ ने, पड़ जाना उसके ऊपर, पड़ के ना टेंट फाड़ देगा वो। ये टेंट कितना है पता, लपड़ कितना ताकतवर होता है भाई, कुछ तो कुछ। भाई टेंट के पास ही है वो सूंगर है। मैं सुबह घर जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता भाई, टेंट के बस के ऊपर से भाग जाऊंगा सीधे सीधे, यहाँ पे नहीं रुकना है मेरे को भाई। लपड़ ना यहाँ पर स्मेल कर रहा था जस्ट अभी, मैंने देखा उसको भाई। अब तो नींद नहीं आएगी, बैठना पड़ेगा यार पूरी रात अभी यहाँ पे। टाइम कितना हो रहा है अभी? सुन सुन तेरे पास माचिस बड़ी है, क्या करना? अपनी शर्ट खोल और इस मेल पेटते हैं, आग जलाते हैं, आग से भागते हैं।
जलानी पड़ेगी टी शर्ट यार, ऐसा नहीं बनेगा। देख ले जान बचानी है ना, इसको जलाएं, इससे थोड़ा शर्ट और शर्ट होनी चाहिए टी शर्ट के, रात निकल जाए ना, सुबह बस चले जाना वापस। भाई मेरी बात सुनो, चुप करके सो जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं पहले भी बहुत सारी कैंपिंग की है, ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है। चुप, पक्का कुछ नहीं होगा, आवाज़ मत करना, बस चुप करके सो जाओ। जितना मर्जी टेंट टेंट के आसपास लेपर्ड घूमेगा ना, आवाज़ नहीं करना। हमें तो ये भी कंफर्म नहीं है कि लेपर्ड है या भालू है भाई, वो अब सुबह ही पता चलेगा। ये ज़्यादा भालू भी घूमता है ना जंगल, वैसा डीप जंगल वैसे ही। एक दो यार यहाँ पे नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे। अच्छा चुप करके सो जाओ, मेरी बात मान। ये काम करते ना, इधर मोहल्ले में थोड़े किसी को फोन करते हैं बाहर जाके। ये छोड़ यार, सो जाओ, मेरी बात मान। एक बज रहा है तो किसको दिखा, टाइम दिखा क्या हुआ है भाई। एक 10 मिनट का में एक हो रहा है और नेटवर्क देख लो कुछ। सो छोड़ छोड़ यार, साइड में सो जा, छोड़ सो जाओ, सो जाते यार। पर ये ना मैं अपने पास रखूँगा भाई, ये ठीक है। कोई भैंस हुई है उनको लगता है ना, कुत्ता है। दोस्तों बार फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं आ चुका हूँ सुबह यहाँ पर मुंह हाथ धोने के लिए। यहाँ पर नेचुरल पानी आ रहा है तो यहाँ पर मैं आया था मुंह धोने के लिए और फ्रेश होने के लिए। बाकी सब टेंट में ही है, मेरे साथ आए हैं रवि भाई। रवि भाई अभी गए हुए आगे,
तो ये है खुली वादियों में मज़े ज़िंदगी के, पहाड़ों में आपको हर चीज़ मिल जाती है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको मिल जाती है आराम से, और वो भी फ्रेश। चला यार रात को बहुत बुरी हालत हुई थी रात को यार, हमें बहुत गंदी गंदी आवाज़ आई आपने, अगर पता नहीं माइक में रिकॉर्ड हुई कि नहीं हुई, एडिटिंग के टाइम पता चलेगा। तो आप देखते हैं, अब आप बाहर हमें लगा कि लैपटॉप की आवाज़ आई है उसकी, ऐसे घरान जैसे वो बोलता है उसकी वैसे आवाज़ आ रही थी। फिलहाल छोड़ो, सुबह हो चुकी है, हम सेफ हैं, फिलहाल चलते हैं यार, मुँह हाथ धोते हैं। और यहाँ पर रवि भाई आ चुके हैं। कैसा लग रहा है भाई, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? ठीक है ब्रो, वहाँ पर पानी है, हाथ पाँव मुँह धो के निकलते हैं वापस स्टैंड की तरफ। और यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपने बंदों को, मुलाजमों को लेके जा रही है, ये लोग रोड बना रहे हैं, इसी वजह से हमें साफ सुथरी रोड मिल रही है। अभी अब जा रहे हैं आगे, जहाँ पर रोड नहीं बनी वहाँ बनाएंगे रात। हमें पानी भी हमारा ख़त्म हो चुका है यार, पानी भी भर लेते हैं, इतना अच्छा फ्रेश वाटर आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए पहाड़ों में, मिनरल वाटर। हाँ वो सही बात है, पहाड़ों में ब्रश करने का अपना ही मज़ा है यार, है ना। ओ भाई ये ऐसी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी शहरों में यार, आओ कभी पहाड़ में यार, वाह 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 वाह। ओ भाई इससे पेस चल जाएगी सारी। बच गई, सही है, ये मिनरल वाटर आ रहा है पहाड़ों से ऊपर से। चलो यार मैं भी ब्रश कर लेता हूँ, फिर आपको मिलते थोड़ा सा। भाई ठंडा तो नहीं है पानी? भाई मेरा सर दर्द हो रहा है, पानी इतना ठंडा है। सो एवरीवन, अभी हम खा रहे हैं मोमोज, ये हमारा ब्रेकफास्ट है। हमने सोचा कि कब से निकले हैं बाहर, तो कब से अपने खाना बना के खा रहे थे, आज काफ़ी टाइम के बाद स्ट्रीट फूड खा रहे हैं। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से, ये हमारा लास्ट ब्लॉग था यहाँ का, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, और टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं बाय। तो दोस्तों ये हमारे एक साथ एक आखिरी क्षण पल है, और ये हमारे आखिरी मोमोज यहाँ इनके साथ खा रहे हैं हम। तो बाकी मिलेंगे, बाकी मिलेंगे अगली सीरीज में जम्मू की और अच्छी वादियों में, इसी पहाड़ों में। तो बाकी लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहना, बाकी भाइयों को भी सपोर्ट करें। बाय बाय, लव यू, ठीक है, बाय बाय।